बिफोर हेयर इट्स वर्जिन हेयर एंड वेवी हेयर. हेयर का जो क्वालिटी है वो इतना हेल्दी नहीं है. इलास्टिसिटी एंड पोरासिटी अच्छा नहीं है बालों का. आप देख सकते हो हेयर वॉश विद ऑप्टिक केयर शैम्पू. डूइंग टॉवल ड्राई. डैप डैप डैप. प्रेस 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 टेक्निक के अकॉर्डिंग. डिवाइडिंग फोर सेक्शन. एप्लीकेशन हैज स्टार्टेड फ्रॉम द नेप एरिया विद ग्लव्ड हैंड. अभी प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं. ऑप्टी स्ट्रेट प्रोडक्ट लिया है हमने बिकॉज ऑफ इनका जो हेयर है वर्जिन है और वेवी है. वर्जिन और वेवी हेयर के लिए हम नॉर्मल प्रोडक्ट यूज करते हैं. ये वाला प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं ऑप्टी स्ट्रेट का, मेट्रिक्स ऑप्टी स्ट्रेट का नॉर्मल वाला प्रोडक्ट. एंड दो लोग हम एप्लीकेशन स्टार्ट किया है. दोनों ने पीछे से स्टार्ट किया है नेप एरिया से ग्लव्स पहन के और क्विकली हम एप्लीकेशन कर रहे हैं. एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है. आप देख सकते हो दोनों तरफ से दो पर्सन कर रहे हैं और दो लोग सेक्शन निकाल रहे हैं. दो लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं विद द ग्लव्स. आप ले लो, एक क्लोजअप शॉट भी ले लेना. अभी इस तरह से फोम करके आपको रखना है प्रॉपर. थोड़ा सा भी फोल्ड नहीं होना चाहिए और क्लाइंट को बोलो कि हिले ना. दिखाई दे रहा है प्रॉपर फोम करके रखा है हमने. बताओ हमें कैसा आ रहा है. अजून घे अजून घे. हे एक ठिकाणी घ्या ना. भरपूर आहे. समजलं ना. दोन केस पकडले नाही. एक तो छोटा आहे. लूज करो. तो यहाँ पे पोरासिटी चेक कर रहे हैं. प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है स्ट्रेच करके देख रहे हैं हम. तो ऑलमोस्ट प्रोसेस हो गया है हमारा. करो स्ट्रेच वापस. थोड़ा और स्ट्रेच करो. ऐसे स्ट्रेच होना चाहिए. सॉफ्ट हो जाना चाहिए हेयर ने. ओके समझ में आया कैसे चेक करना है. चेक करो. सब लोग चेक करो. एक ही हेयर होना चाहिए और उसको स्ट्रेच करना है आपको. एक ही हेयर लेना है उसको अच्छे से क्रीम हटाना है और स्ट्रेच करके देखना है आपको. हो रहा है स्ट्रेच. रबर की तरह सॉफ्ट हो गया है. सो अभी हम ले रहे हैं रिंस. हमने फर्स्ट क्रीम लगाई थी और फर्स्ट क्रीम के बाद हम ले रहे हैं रिंस. हेलो गर्ल्स रिंस. ओके कर लो रिंस. पानी से अच्छे से रिंस करना है. पूरा प्रोडक्ट निकल जाए. थोड़ा भी प्रोडक्ट रहना नहीं चाहिए. बाल पूरे ले लो पीछे की तरफ. ड्राई कर रहे हैं. रिंस कर लिया है हमने. प्रोडक्ट अच्छे से निकाल दिया है फर्स्ट क्रीम को और अभी हम ड्राई कर रहे हैं. ड्रायर के बाद हम करेंगे आयनिंग. आगे से करो ड्राई. ड्रायर इज गोइंग ऑन फ्रंट सेक्शन से. निकालेंगे पहले इस तरह से. आप होल्ड करो इसको. हाँ इस तरह से होल्ड करना है.
एंड देन कॉम करना है हमें, और ये दो फिंगर्स है हमारी, उसको बीच में हमें सेक्शन रखना है उसके बीच में, और ये टेलकॉम को हमें साइड में रखना है यहाँ पे थंब के साथ, और आयरिंग को लेना है हमें और 90 डिग्री पर आयरिंग को हमें मूव करना है इस तरह से नीचे की तरफ, हमें ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है फिर वापस जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है फिर वापस जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है फिर वापस जाना है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ। इससे क्या होगा, फ्रीज नहीं होगा और आपको एक बहुत शाइनी और स्मूथ रिजल्ट मिलेगा। जब तक रूट के पास अच्छा सा नहीं आएगा रिजल्ट, शाइनी स्मूथ नहीं हो जाएगा, सारे वेव्स नहीं हट जाएंगे, तब तक आप नीचे नहीं जाओगे। अब मेरा रूट्स बहुत अच्छे से मैंने कर लिया है, नाउ मैं अब लूंगी टेलकॉम, और मेरा आयनिंग मूव चल रहा है उसका, वो चलते जा रहा है, रुक रहा नहीं है किधर भी, रोकना नहीं है आयनिंग को किधर भी, आयनिंग रोकोगे तो बाल बर्न हो सकता है, आयनिंग को चलाते रहना है इस तरह से। और कॉम देखो नीचे है, कॉम होकर आयनिंग में हेयर जा रहा है, वापस कॉम ऊपर आ गया है, और इस तरह से हमें आयनिंग बाल नीचे छूटने नहीं देने हैं जब तक ये सेक्शन नहीं होता है, इस तरह से हमें ये पूरा सेक्शन कंप्लीट करना है। और आप फोर्स देख रहे हो ना आयनिंग का, जो मैं डाल रही हूँ वो फोर्स दिख रहा है आपको, मेरे नर्व्स दिख रहे हैं आपको, इतना ही फोर्स चाहिए हमें, इसी से हमारा आयनिंग बहुत परफेक्ट होगा और बाल बहुत ही स्मूथ शाइनी और रिजल्ट अच्छा आएगा। ये हो गया हमारा, देख रहे हो आप, बहुत शाइनी और बहुत अच्छा सिल्की आपको देखने मिलेगा, ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए। अगर आप ऐसा आयनिंग नहीं करोगे तो शाइनी सॉफ्ट रिजल्ट नहीं आएगा और वो फेल हो सकता है, समझ में आ गया? चलो सो हमारी आयनिंग कंप्लीट हो गई है, देख सकते हो आप। अभी हम लगाएंगे न्यूट्रलाइजर, दिखाई दे रहा है ना, आयनिंग हो चुका है। ऊपर करो, अब हम करेंगे न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर लेके आइए, फोर सेक्शन डिवाइड कीजिए, न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन हो रहा है, आप देख सकते हो हमारे पास जो न्यूट्रलाइजर है ऑप्टी स्ट्रेट का है, एंड दो पीपल अप्लाई कर रहे हैं पीछे से। पानी से रिंस कर दो, एंड ऑप्टी केयर का मास्क हमें लगाना है 5 मिनट्स के लिए। फाइव मिनट्स के लिए छोड़ देना मास्क, ड्राई चल रहा है एंडिंग वाला, न्यूट्रलाइजर रिंस कर दिया है मास्क लगाकर। तो ये है हमारा एंड रिजल्ट, ऑप्टी स्ट्रेट यूज किया है हमने प्रोडक्ट, स्टेप बाय स्टेप आपने देखे ही होंगे, बिफोर इसका आपने देखा था बाल कैसा था, और ये अभी का एंड रिजल्ट है। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ड्राई किया है, ना ही आयनिंग का टचअप दिया है, ना ही प्रॉपर ब्लो ड्राई किया है, नेचुरल ड्राई में ही इतना अच्छा उसका आया है। अभी हम प्रॉपर ब्लो ड्राई कर देंगे और थोड़ा सा आयनिंग उसको फिनिशिंग के लिए दे सकते हैं। सीरम दे दो मुझे, यह है हमारा एंड रिजल्ट, हेल्दियर हेयर। Thank you.
ऊपर देखो ऊपर आगे देखो उसको रखी देखो थैंक यू थैंक यू।